सिमरिया थाना अंतर्गत बलों के पास बुलेरो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एक की मौत, एक गंभीर घायल का इलाज किया जा रहा है रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। सिमरिया थाना अंतर्गत बराव के पास मोटरसाइकिल बेलेरो एक्सीडेंट में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, घायल का चल रहा इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। घटना रविवार दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच। सिमरिया थाना अंतर्गत बरो गांव के पास मोटरसाइकिल और बेलेरो में एक्सीडेंट हो गया। आमने सामने के इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार अनिल सोनी, पिता केदार सोनी, उम्र 32 साल, जो कि सिमरिया थाना अंतर्गत चंद्रपुर के ही रहने वाले थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनके साथ मोटरसाइकिल में सवार राकेश पटेल, पिता छोटे लाल पटेल भी थे, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर थी और संजय गांधी अस्पताल के पहुंचने के पहले ही उनकी मौत हो गई। दोनों लोगों को 108 की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। राकेश पटेल को डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। ये बोलेरो और टू व्हीलर में एक्सीडेंट हो गए आपस में, करमाई पुल के पास, नई पुल बनी है वहीं पे। ये कहाँ पर है, किस थाने के अंतर्गत? सिमरिया थाने से 5-6 किलोमीटर इधर पहले रीवा के एक्सीडेंट हुआ है, ये करमाई के पास है। बोलेरो और बाइक में दोनों भिड़ गए हैं आपस में, वही कंडीशन है। वहाँ पे सिमरिया लोकेशन ही आई है, सिमरिया थाने से गाड़ी लेके आई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एम टी है, सुखवेंद्र कुमार मिश्रा।